बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया की सिलेक्शन को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं और बहुत सारे रूमर्स फ्लोट कर रहे हैं कि इस प्लेयर का डेब्यू होगा, इसे खिलाया जाएगा, इसे नहीं खिलाया जाएगा। लेकिन जो इनसाइड न्यूज अभी तक बाहर आई है उससे यही पता चल रहा है कि ओपनिंग स्लॉट के लिए केएल राहुल को फाइनल कर लिया गया है। जी हाँ, केएल राहुल का पहले भी ओपनिंग में एक्सपीरियंस रहा है, जैसा मैंने बताया था वो ओवरसीज में भी ओपनिंग कर चुके हैं, वो इंग्लिश कंडीशंस में भी ओपनिंग कर चुके हैं और वो ऑस्ट्रेलिया में भी ओपनिंग कर चुके हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में केएल राहुल एज एन ओपनर खेलेंगे, जबकि 2 महीने पहले तक वो मिडिल ऑर्डर में खेल रहे थे क्योंकि टीम में जगह नहीं थी। और मेरे ख्याल से ये सही डिसीजन है केएल राहुल को ओपनिंग में डाल देना रादर देन किसी डेब्यूटेंट को, क्योंकि यशस्वी जायसवाल का भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में उनका पहला टेस्ट मैच है, तो केएल राहुल के रहने से एटलीस्ट एक एक्सपीरियंस प्लेयर होगा। लेकिन अब केएल राहुल इस अपॉर्चुनिटी को कितना कन्वर्ट करते हैं यह बहुत जरूरी है, क्योंकि केएल राहुल को बहुत ज्यादा बैशिंग मिल रही है और कहीं ना कहीं वो ये डिजर्व भी करते हैं। वो बहुत ही ज्यादा, आप कह सकते हैं उनका कॉन्फिडेंस बहुत ही डाउन दिख रहा है, तो केएल राहुल के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। नंबर 3 पे बात हो रही है कि शायद देवदत्त पड्डीकल को मौका दिया जाएगा, क्योंकि देवदत्त पड्डीकल ने इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, डोमेस्टिक में भी वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे और एक लेफ्ट हैंडर को नंबर 3 पे डालने की बात हो रही है, ताकि आप कह सकते हो थोड़ा लेफ्ट एंड राइट कॉम्बो मेंटेन करने के लिए। तो देवदत्त पड्डीकल फिलहाल सबसे ऊपर चल रहे हैं और मोस्ट लाइकली शायद उन्हें ही मौका दिया जाएगा। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, देवदत्त पड्डीकल हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ अपना डेब्यू कर चुके हैं इसी साल होम सीरीज में, लेकिन वहां उन्होंने कोई बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं दी थी। लेकिन जैसा कहते हैं इस तरीके की सिचुएशन बन गई है, शुभमन गिल बाहर हो गए हैं, रोहित शर्मा बाहर हो गए हैं, तो फिलहाल नंबर 3 पे देवदत्त पड्डीकल को ही कंसिडर किया जा रहा है, क्योंकि रणजी में भी वो नंबर 3 पे बैटिंग करते हैं, वो अलग अलग फॉर्मेट्स में ओपनिंग भी कर चुके हैं, तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि न्यू बॉल के उनके पास एक्सपीरियंस है। नंबर 4 पे ऑफकोर्स विराट कोहली अपने ओरिजिनल पोजिशन पे खेलेंगे और नंबर 5 पे खेलेंगे ऋषभ पंत। आपको याद दिला दूं कि पिछले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से ही ऋषभ पंत को नंबर 5 स्पॉट दिया गया था, वरना उसके पहले वो नंबर 6-7 पे खेलते थे। नंबर 5 एक्चुअली एक प्रमोशन दिया गया था उन्हें सिडनी में, कि जस्ट टू गो एंड काउंटर अटैक, जस्ट टू सी कि थोड़ा ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग, थोड़ा आप कह सकते हो कि वो बहुत ज्यादा टाइट बॉलिंग कर रहे थे, तो बस भेजा गया था कि थोड़ा सा उनकी लाइन लेंथ को बिगाड़े। लेकिन ऋषभ पंत ने ऐसी इनिंग्स खेल दी कि अब नंबर 5 पोजीशन उन्हीं की हो गई है, तो ऋषभ पंत नंबर 5 पे ही खेलेंगे। और नंबर 6 पे जो सबसे बड़ा सवाल था कि क्या केएल राहुल को नंबर 6 पे खिलाया जाएगा या सरफराज खान खेलेंगे, लेकिन अब बात हो रही है कि ध्रुव जुरेल को नंबर 6 पे खिलाया जाएगा। और उसका सबसे बड़ा रीजन है कि ध्रुव जुरेल ने अभी इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के मैच में जबरदस्त परफॉर्मेंस की, इनफैक्ट दोनों इनिंग्स में उन्होंने जबरदस्त बैटिंग की जब पूरी टीम आउट हो रही थी। इसके पहले भी इस साल इंग्लैंड के खिलाफ वो अंडर प्रेशर एक ऐसी इनिंग्स खेल चुके हैं जो मैं कहूं कि मैच विनिंग इनिंग्स थी तो गलत नहीं होगा। साथ साथ उनकी फील्डिंग, वैसे तो वो विकेट कीपर है लेकिन यहाँ उन्हें एज ए फील्डर खिलाया जाएगा, उनकी फील्डिंग भी काफी अच्छी है, फिलहाल वो काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, तो ध्रुव जुरेल को नंबर 6 पे खिलाया जाएगा। और मेरे ख्याल से ये बहुत सही डिसीजन है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आप रेप्यूटेशन से ज्यादा फॉर्म को वैल्यू दें वही ज्यादा जरूरी है, और ध्रुव जुरेल की फॉर्म बहुत अच्छी चल रही है अभी, वो यंगस्टर हैं, कॉन्फिडेंट हैं, और ये सही मूव होगा स्पेशली इन द एब्सेंस ऑफ रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल। मेरे ख्याल से ध्रुव जुरेल को खिलाना सही है, वो टेक्निकली साउंड भी है। सरफराज थोड़ा रिस्क लेते हैं और मेरे ख्याल से पर्थ के पिच के लिए थोड़ा टेक्निकली साउंड बैट्समैन ज्यादा सही चॉइस होगी। नंबर 7 एक इंटरेस्टिंग पोजीशन है, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश रेड्डी, रविंद्र जडेजा, ये 3 कैंडिडेट हैं जो इस पोजीशन के लिए हैं। वॉशिंगटन सुंदर ने ऑस्ट्रेलिया में जो आखिरी टेस्ट हुआ था गैबा में वो खेला था और अभी पिछली सीरीज में भी वो टॉप परफॉर्मर रहे, लेकिन अभी यहां पर बात यह उठ रही है कि रविंद्र जडेजा को तो डेफिनेटली खिलाया ही जाएगा, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है ऑफ कोर्स, और रविंद्र जडेजा ऑस्ट्रेलिया में सक्सेसफुल भी रह चुके हैं इसके पहले। तो नंबर 7 पे जडेजा खेलेंगे और नंबर 8 पे एक टफ चॉइस है बिटवीन नीतीश रेड्डी एंड वॉशिंगटन सुंदर, रीजन बीइंग कि वहां पर पर्थ में इंडिया एक एडिशनल फास्ट बॉलर खिलाना चाहता है और नीतीश रेड्डी एक मीडियम बॉलिंग करते हैं, इंडिया के फोर्थ सीमर बन के वो खेल सकते हैं, साथ साथ नंबर 8 पे इंडिया की बैटिंग को भी थोड़ी स्ट्रेंथ मिलेगी। अश्विन का पहला टेस्ट खेलना ऑलमोस्ट नामुमकिन दिख रहा है, लेकिन क्या वॉशिंगटन सुंदर को भी ड्रॉप करना सही है? क्या जडेजा की जगह पे सुंदर नहीं खेल सकते और 8 पे नीतीश रेड्डी नहीं खेल सकते?
ये एक टफ चॉइस है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट का भरोसा फिलहाल जडेजा की तरफ ज्यादा है और जडेजा को ही प्रेफर किया जाएगा। तो नंबर 7 पोजीशन जडेजा की है और नंबर 8 में इट्स पिक एंड चूज बिटवीन नीतीश रेड्डी एंड वाशिंगटन सुंदर। जसप्रीत बुमराह ऑफ कोर्स कैप्टन रहेंगे टीम के और नंबर 9 पे जसप्रीत बुमराह हैं। 10 पे सिराज का खेलना ऑलमोस्ट तय माना जा रहा है, क्योंकि पूरी इंडिया की बॉलिंग लाइनअप काफी इनएक्सपीरियंस्ड है, ऊपर से नीचे तक बड़े कम एक्सपीरियंस लोग हैं इस बार। तो सिराज का एटलीस्ट 30+ टेस्ट मैचेस का एक्सपीरियंस है। पिछले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ही सिराज ने डेब्यू किया था और 13 विकेट लिए थे। और इनफैक्ट अगर मैं सिराज की ओवरसीज परफॉर्मेंस देखूं तो इंडिया से मच बेहतर रही है, जो कि होनी भी चाहिए, ऑब्वियस बात है, क्योंकि फास्ट बॉलर्स ओवरसीज में ही बेहतर करेंगे इंडिया के। तो वहां पर सिराज का नंबर 10 पे खेलना तय है। एंड नंबर 11 पे हालांकि न्यूज बहुत आ रही है कि हर्षित राणा को डेब्यू कराया जाएगा, जस्ट बिकॉज हर्षित राणा नेट्स में और जो प्रैक्टिस गेम है उसमें बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आकाशदीप, जिनको पिछले 4-5 टेस्ट मैचेस में मौका दिया गया है, उनको नंबर 11 के लिए कंसिडर किया जा रहा है। बट लास्ट मोमेंट चेंजेस हो सकते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा भी टीम में आ सकते हैं, तो ये एक स्पॉट है जिसको लेकर काफी डाउट्स हैं। हर्षित राणा का डेब्यू आई डाउट कि होगा, मेरे ख्याल से आकाशदीप और प्रसिद्ध कृष्णा के बीच में ही चॉइस है। तो ओवरऑल यही टीम है, आपको क्या लगता है कि क्या ये टीम सही है या इस टीम में कुछ चेंजेस होने चाहिए? जरूर बताइए। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।